तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ इंडिया की मेगा फैक्ट्री में, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में सैंडविच लगाए जाते हैं। तो इंदौर का ये सबसे फेमस सैंडविच है मधुरम का सैंडविच। तो भाई ये आ गया बड़ा सा पनीर का पीस, और ये सैंडविचेस के लिए हमारा पनीर कटने जा रहा है। तो देख सकते हो कितना बड़ा पनीर है, कितने बड़े बड़े स्लाइसेस कट रहे हैं, और इसको फिर छोटा किया जाएगा। ये अभी ये कटा हुआ पनीर अगर मैं एक घंटे बाद भी यूज़ करूँगा तो भी ऐसे ही रहेगा, और अगर मशीन का पनीर काटा है उसको अगर मैंने 20 मिनट भी रोक दिया ना, रफ हो जाता है ये, जो इसके पार्टिकल्स है ना ये रफ हो जाते हैं, तो वो फिर वापस हम उसको उठाएंगे चूरा हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हो पनीर का पहाड़ लगा हुआ है, काट काट के कितना ज़्यादा पनीर रखा हुआ है, और ये सिर्फ आधा एक घंटा चलने वाला है। तो देख सकते हो ब्रेड का साइज कितना बड़ा है, और यहाँ पे बनता है बाहुबली सैंडविच। तो यहाँ पे ब्रेड के 5 पैकेट आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में सैंडविच लगाए जाएंगे। तो देख सकते हो कितने बड़े बड़े ब्रेड आ गए, तो बिल्डिंग की तरह यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो आपको ये नज़ारे पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे, आपको आना पड़ेगा इंदौर मधुरम सैंडविच। तो हमारे यहाँ पे सैंडविच की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा सैंडविच लगने जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लगा दी भाई इस पे? ये सर हमारा सैंडविच की टॉपिंग जो भी अपन ने बनाई थी ना सर। अच्छा, सैंडविच की टॉपिंग यहाँ पे लग चुकी है। तो अब फटाफट यहाँ पे सैंडविच लगाया जा रहा है। देख सकते हो कितना बड़ा टेबल है, और यहाँ पे बहुत सारे सैंडविच लगे हुए। कितने आ जाते हैं यहाँ पे? चार पाँच पैकेट के आते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी मेगा फैक्ट्री है जहाँ पे सैंडविच लगाए जाते हैं। पूरे इंडिया में आपको इतने ज़्यादा सैंडविच कहीं लगते हुए दिखेंगे। तो भाई ये देख सकते हो टेबल आधा भर चुका है, फटाफट काम चल रहा है, फटाफट सैंडविच लग रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ग्राहक नीचे खड़े होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं अपने सैंडविच का, लाइन लगती है, टोकन लगते हैं। तो एकदम बढ़िया फ्रेश फ्रेश बनता है ना यहाँ पे सारा? टोटल फ्रेश है सर, डेली ब्रेड बनता है। भगवान का आशीर्वाद है कि माल रुकता ही नहीं। अच्छा, हाँ जी, ये होता है रात को कि हमको हाथ जोड़ के ग्राहक को बोलना पड़ता है सर माफी चाह रहा हूँ, खत्म हो गया। तो भैया नेक्स्ट क्या करेंगे सर? ये सर हरी चटनी आ रही है, तो ये ग्राइंडर से पिसी हुई नहीं है सर, ये आपको अच्छा। मोटापन ये कभी भी आपको मिक्सर या मिल मशीन में नहीं आएगा, ये पत्थर से पिसी हुई चटनी है सर, इसका एक अपना ही टेस्ट होता है, इसका स्वाद ही अलग होता है। तो सभी सैंडविच में एक एक करके ग्रीन चटनी लगाई जा रही है। तो अगर आप भी इंदौर आ रहे हो तो यहाँ पे आके इनके सैंडविच ट्राई कर सकते हो। एक ही सैंडविच लगता है, वही लोगों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हो रही वेजिटेबल की बारिश। वही कौन कौन सी रहती है वेजिटेबल्स में? अच्छा, स्वीट कॉर्न भी रहता है साथ में। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे वेजिटेबल्स डाली जा रही है, जितना कि सैंडविच के लिए चाहिए उतना ही डाल रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पे लगा दी सैंडविच के ऊपर। वे पूरा दिन फटाफट ऐसे ही काम चलता है यहाँ पे? सर देखिए ये है जिरावन, इंदौर का हींग वाला जिरावन होता है। मेरे हिसाब से इंदौर का कोई भी स्ट्रीट फूड आप खा लो, ये जिरावन के बिना अधूरा है। और ये सारे मसाले सर हम लोग खुद पिसाते हैं, पूरा जिरावन हम पिसाते हैं, गरम मसाला हम पिसाते हैं, टिक्का मसाला ये भी हम लोग पिसाते हैं सर। ये गरम मसाला थोड़ी कम क्वांटिटी में जाता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, बिल्कुल हल्का, बहुत हल्का हल्का सा होगा ना, इतना तेज रहेगा सैंडविच व्यक्ति खा ही नहीं पाएगा, भूख मर जाएगी। ये तंदूरी का मसाला होता है, ये लोग हम खुद पिसाते हैं सर। मध्य प्रदेश की फेमस है निमाड़ी मिर्ची, ये वो निमाड़ी मिर्ची इसमें यूज़ होती है, ये प्योर टिक्का मसाला सर ये। अरे ये तो बहुत कम सर, सिर्फ एक स्मेल और खुशबू के लिए होती है। तो ये देखिए पनीर की हो रही है अभी बारिश, मैंने कहीं नहीं देखा, देखो सर कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी सैंडविचेस के ऊपर पनीर लगाया जा रहा है। ये भाई दिल से डालते हैं चीज़ें, जो भी डालते हैं चले की वीडियो में डालते हैं। भैया नॉर्मल रहता है ना सही है? अरे सर नॉर्मल ही रहता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम आके सैंडविच खा के देख सकता है। तो पनीर मिल जाएगा तो? बिल्कुल सर, हो सकता है इससे ज़्यादा क्वान्टिटी होगी लेकिन कम तो नहीं होगी सर। हाँ जी, हमारा हाथ सर कभी भी कैमरा देख के नहीं चलता है जो है जी। सर ये स्वीट कॉर्न है? हाँ जी, ये बॉइल किए हुए स्वीट कॉर्न है सर, सिर्फ और सिर्फ मेयोनीज और केचप, ये दो चीज़ जो है सर हमारे ब्रांड से लेते हैं हम, बाकी सब हमारा ही है सर। तो ये डालने जा रही है इंदौर की फेमस सेव। तो भैया कितने रंग की सेव रहती है सर? ये मोटी और बारीक लोंग की सेव होती है। अच्छा। और बारीक कश्मीरी सेव है सर। मतलब तो सेवों के बारे में तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ सर कि इंदौर का आदमी अगर जहर भी खाएगा तो सेव में मिला के खाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि आदमी की आवश्यकता क्या, रोटी कपड़ा मकान, मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहे हो आप, इंदौर में रोटी कपड़ा मकान और सेव। हाँ जी हाँ जी, ये नॉर्मली बस कलर के लिए होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। बढ़िया दिखता है, खाने में तो बढ़िया रहता है ना ये। हाँ जी हाँ जी। तो ये देखिए भाई यहाँ पे हो रही है मेयोनीज की बारिश। तो देख सकते हो स्टाइल डालने का, यहाँ पे कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे मेयोनीज लगाई जा रही है। भैया तो पूरी बारिश कर दी आपने यहाँ पे। हाँ जी। तो देख सकते हो बढ़िया तरीके से ऊपर से आ गई है मेयोनीज। तो यहाँ पे लग रही है चीज़ डाली जा रही है ऊपर से। तो आप देख सकते हो एक सैंडविच में कितनी सारी आइटम चलती है, कितनी मेहनत का काम है, कितने सारे यहाँ पे सैंडविच लग रहे हैं। तो जो भी चीज़ रहती है एग्जैक्ट क्वांटिटी में रहती है। हाँ जी हाँ जी। बट आप देख सकते हो यहाँ पे 150 रुपये का सैंडविच रहता है, कितनी सारी चीज़ें रहती है, लागत निकालना भी मुश्किल होता है। भैया नेक्स्ट क्या डालेंगे? अच्छा टोमेटो केचप। तो ये देखिए भाई टोमेटो केचप की होगी यहाँ पे बारिश। हाँ जी। तो यहाँ पे लगाई जा रही है ग्रीन चटनी, तो हमारी यहाँ पे सैंडविच की दूसरी लेयर लगने जा रही है। देखिए सर ये जो है एक ब्रेड था,
इसके ऊपर सेकंड लेयर रही, अब एक ये वाला देसो रखाएगा इस पर, फिर वो रेडी होकर ग्रिल होगा, ग्रिल होने के बाद में उस पर गार्निशिंग की ग्रिल लेयर आएगी सर। अच्छा, फिर लोग बोलते हैं यहाँ पे कि महंगाई बढ़ गई, पर मधुरम सैंडविच का जो रेट था 2013 से वो अभी भी यही है। हाँ जी, हाँ जी सर, हम लोग ये हमारा एक टारगेट है कि भाई अपने को रेट लगाना ही नहीं, और क्वालिटी को पूरा कंट्रोल में करके, अब देखिए कब तक कर पाते हैं। ये सर स्वीट चिली चिली गार्लिक मिक्स है। अच्छा, हाँ जी, यार देख पा रहे होंगे मिर्ची के जो दाने दिख रहे हैं ना। हाँ जी, ये आपको कंपनी की टॉपिंग में नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारा खुद का बना हुआ है, जो हरी मिर्ची को हल्का सा सूखा करके फिर उसको मशीन में कूट के जो बनता है वाली टॉपिंग है सर। कितनी लेयर रहती है इसमें? ये सर 3 लेयर सैंडविच की होती है, चौथी ग्रिल होकर गार्निशिंग वाली आती है। अच्छा, तो आपको पूरे इंडिया में इस लेवल पे काम होते हुए नहीं दिखेगा, इतने ज़्यादा सैंडविच लगते हुए नहीं मिलेंगे, और जो इनका लगाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। तो देख सकते हो यहाँ पे सैंडविच को पलटा जा रहा है, ये थर्ड लेयर हो गई। अच्छा, थर्ड लेयर रेडी हो रही है इसकी। तो भाई ये फुल्ली ओवरलोडेड 3 लेयर का सैंडविच यहाँ पे लग चुका है, तो इंडिया का बिगेस्ट सैंडविच यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सैंडविच लगाए जा रहे हैं, और पूरे के पूरे लेयरिंग कर दिए। तो भाई ये लग के रेडी हो चुके हैं। रेडी हो चुके हैं सर। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? बस सर ये अब नीचे शॉप पे जाएगा, वहाँ पर वैसे ग्रिल ऑफ करके बाहर कस्टमर को सर्व होगा सर। तो जो हमारे सैंडविच रेडी हो गए थे, अब यहाँ पे ग्रिल में लगने जा रहे हैं। भैया एक ग्रिल में कितने सैंडविच लग जाते हैं? एक ग्रिल में 6 आते हैं, और 5 ग्रिल चलते हैं अगर तो 30 सैंडविच होंगे। ऐसा अभी कंटिन्यू 2 और 3 चल रहे हैं, तो 18 सैंडविच का लॉट निकल रहा है। 18 का एक साथ निकल जाता है। हमका टाइम 5 चलते हैं, तो 30 का लॉट निकल रहा है। कम से कम 2 या 3 चलते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चलते। अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सैंडविच लग रहे हैं, एकदम ग्रिल में लगा दिया उन्होंने बढ़िया तरीके से, और ये अब ग्रिल में चले गए। भैया कितना टाइम लग जाता है ग्रिल में? ग्रिल में लगते हैं सर लगभग 6 से 7 मिनट। अच्छा, 6 से 7 मिनट ज़्यादा इसलिए लगता है हमारे में, देखिए आप देख रहे हैं सैंडविच इतना बड़ा ग्रिल को मत है, ज़्यादा तेज ग्रिल तो हम लोग ग्रिल नहीं करते हैं सर। अच्छा, तो अब हमारे यहाँ पे सैंडविच ग्रिल होकर आ चुके हैं, अब यहाँ पे इसकी कुकिंग चालू होगी। एक ही बनता है सर। तो देखो तो यहाँ पे कितनी स्पीड से यहाँ पे सैंडविच काटे जा रहे हैं, एकदम निंजा स्टाइल में, एकदम देख भी नहीं रहे सैंडविच, और कटिंग चल रही है फटाफट। ठीक है, अब इसकी गार्निशिंग स्टार्ट हो गई है। तो सैंडविचेस कट के लग चुके हैं, अब देखते हैं क्या क्या डालते हैं। तो इस साथ में केचप आ गया ऊपर से। ये केचप आ रहा है सर, आपका वो चिल्ला वाला चटनी था, ये जो अपन ने देखा था ना सिलबट्टे वाला चटनी, ये वो चटनी है सर, ये केचप है। और ये ऊपर से आ गई 2 टक्की से, और बारीक से मिक्स, इसे लॉन्ग और बारीक से मिक्स सर। इसके बिना सैंडविच अधूरा है सर। ये पोटैटो चिप्स और साथ में आगे पोटैटो चिप्स। तो देख सकते हो 150 रुपये में आपको चिप्स मिल रहे हैं, साथ में सेल मिल रही है, इतना बड़ा सैंडविच मिल रहा है, चीज ग्रेड हो रही है सर। ऊपर से आगे चीज प्रोसेस चीज है सर। टोकन नंबर 24 25 26 27 28 29 30। तो ये लग के रेडी हो चुकी है? नहीं नहीं सर, इसके ऊपर अब एक लेयर आएगी मेयोनीज की, मेयोनीज के बाद में आएंगे मसाले, मसाले के बाद में कॉर्न के बाद में कोरिएंडर, जो अपना हरा धनिया होता है, फिर सर्व हो जाएंगे सर। इतना सामने नीचे डाला, उसके ऊपर भी ये सब? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर भी होगा सर, लगभग जितना टेस्ट दे सकते हैं उसको डायरेक्ट व्यक्ति को मिल जाए। ये मेयोनीज हो गई, ये स्वीट कॉर्न आ गया सर बॉइल किया हुआ, अब मसाला आएगा, मसाले के बाद में अपना कोरिएंडर हरा धनिया जो होता है वो आएगा, रेडी है सर। ये खाना का एक लोग रेडी है, और ये आगे मसाले हरा धनिया। तो फाइनली मधुरम का फेमस जंबो सैंडविच यहाँ पे लग चुका है। तो सैंडविच का साइज देख सकते हो कितना जंबो साइज है, इतना बड़ा सैंडविच आपको 150 में मिल रहा है, और साथ ही साथ ऊपर से देख सकते हो कितनी सारी टॉपिंग्स है। तो साथ में उन्होंने लगाई है ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप और चिप्स। तो सैंडविच की लेयर देख सकते हो कितनी ज़्यादा लेयर्स है, और ऊपर से चीज़ डाले, मेयोनीज डाली है, पनीर की फिलिंग बहुत ही अच्छी की है। तो इसको मैं ट्राई करूँ ग्रीन चटनी साथ। तो वाकई में इनका सैंडविच बहुत ही बढ़िया है। तो जो इन्होंने स्टफिंग की है उसमें पनीर की, वेजीज की, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। जो उन्होंने मसाले डाले हैं और ऊपर से जो इन्होंने चीज़ डाला है, काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा है। टाइमिंग है सर 12:00 रात को 11:00। क्या होता है, हम सुबह से स्टार्ट कर देते हैं, सुबह 8 बजे से हमारा काउंटर स्टार्ट होता है। सर हफ्ते में 7ों दिन जी। सर एड्रेस है 2 हुकमचंद मार्ग, कपड़ा मार्केट अपोजिट कांच मंदिर। कपड़ा मार्केट में कांच मंदिर बहुत फेमस है, कांच मंदिर के बिल्कुल सामने इंदौर। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो इंदौर में आके मधुरम सैंडविच में आके इनका जंबो सैंडविच ट्राई कर सकते हो। 150 रुपये में आपको बढ़िया सैंडविच खाने को मिल जाएगा, और ये आपको इंडिया 8 महीने से हाईली रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से अपनी टीम के साथ फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।